बड़ी खबर आपको बता दें, डीटीसी बसों में मार्शल्स को तैनात किया जाएगा। कल से 13,000 मार्शल आपको डीटीसी बसेस में नजर आने लगेंगे। 13,000 मार्शल्स को तैनात किया जाएगा। 3400 मार्शल पहले से तैनात हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन मार्शल्स को तैनात किया जाएगा। और कल से ही दिल्ली सरकार महिलाओं को फ्री यात्रा की जो सुविधा है डीटीसी बसेस में वो देने जा रही है। भैया दूज के दिन से ये जो फ्री की सेवा है महिलाओं के लिए वो दी जा रही है अरविंद केजरीवाल की ओर से। कल से दिल्ली की हर बस के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बस मार्शल की तैनाती की जाएगी। अगर उस बस के अंदर किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई अगर अपराध करने की कोशिश करता है, जेब काटने की कोशिश करता है, या कोई अगर मान लीजिए बीमार है, किसी को हार्ट अटैक होता है और उसे मदद की ज़रूरत है, उसके लिए बस मार्शल की हर बस के अंदर तैनाती की जा रही है। लगभग 13,000 बस मार्शल्स की एक साथ नियुक्ति की गई है। मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर बसों में सुरक्षा के लिए पहली बार इंतज़ाम किया जा रहा है। और सर्टेनली पूरे देश में केवल दिल्ली अकेला शहर है जहाँ हर बस के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल्स की तैनाती होगी। इसके लिए मैं दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अन्य कदम भी उठाए गए हैं, पूरे दिल्ली में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, पूरे दिल्ली के अंदर अब स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं, कल से दिल्ली की महिलाओं का सफ़र फ्री हो जाएगा और बस मार्शल्स की नियुक्ति से दिल्ली के अंदर महिलाएं अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। कल से महिलाओं को फ्री यात्रा का तोहफा दिल्ली सरकार देने जा रही है, जिसका ऐलान उसने पहले कर दिया था। और इसी के साथ में 13,000 मार्शल्स की तैनाती की जाएगी। हर एक बस में एक मार्शल तैनात रहेगा। इससे पहले 3400 मार्शल्स तैनात थे। विश्वजीत झा हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विश्वजीत, बड़ा ऐलान अब देखना यह है कि धरातल पर जब ये योजना उतरती है तो किस तरीके से कामकाज किया जाएगा और सरकार की क्या तैयारियां हैं अभी? देखिए, निश्चित रूप से ऐलान तो बड़ा है, क्योंकि हाल ही में एक्स होमगार्ड्स जो पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना दे रहे थे, तो उन्हीं लोगों को, करीब 6,000 लोग थे जिनको की नियुक्ति के लिए कहा गया था कि दिवाली के पहले उन्हें बसों में मार्शल के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, तो उनकी ही नियुक्ति की गई है। सभी एक्स होमगार्ड्स हैं और पहले से ये ट्रेनिंग तो इनकी पहले से होती है। आज उनको मार्शल के तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है और कल से वो सभी बसों में तैनात हो जाएंगे। और सरकार का कहना है कि अब तक सिर्फ शाम की शिफ्ट में मार्शल चलते थे बसों में, तो अब उसे हर शिफ्ट में कर दिया जाएगा और सभी बसों में वो नियुक्त होंगे, क्योंकि जो क्लस्टर बस है और जो DTC की बसें हैं उन सब में महिलाओं को मुफ्त सफर मिलेगा। तो अभी तक क्लस्टर की बसों में मार्शल नहीं होते थे, तो इसके बाद उन बसों में भी मार्शल नजर आएंगे, वहां से भी महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। चलिए विश्वजीत, आपने सही कहा कि ऐलान बहुत बड़ा है, लेकिन ये देखना है कि महज ये चुनावी स्टंट ना हो, धरातल पर भी उसका असर दिखाई दे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।